भोजपुरी की नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो पीपल बायोग्राफी, मैं श्याम शर्मा। आज हम आपसे बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल यादव की बात करें तो एक के बाद एक नवा इतिहास खेसारी लाल यादव रचते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे इतिहास से जो खेसारी लाल यादव की जिंदगी में पहली बार हुआ है। खेसारी लाल यादव की बात करें तो उनकी फिल्में लगातार सुपर डुपर हिट होती हैं। खेसारी लाल यादव ने जब साजन चले ससुराल से अपना पहला कदम रखा था, तभी से उनकी लगातार 7 फिल्में जिन्होंने 50-50 दिन सिनेमाघरों में चलने का बड़ा इतिहास कायम किया था, तभी से फिल्म निर्माता ये बात समझ गए थे खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में ग्रो करेंगे। खेसारी लाल यादव आज इतना ग्रो कर चुके कि टॉप 3 में उनकी गिनती आती है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ 3 ही नाम फिलहाल गूंजते हैं, एक है दिनेश लाल यादव निरुवा, दूसरा पवन सिंह, तीसरा खेसारी लाल यादव। 3 स्टार भोजपुरी पर फिलहाल राज कर रहे हैं। तीनों के इतिहास एक के बाद एक टूटते रहते हैं। हाल ही में पवन सिंह का सबसे बड़ा इतिहास सामने आया था, जिसमें अभिनेता पवन सिंह ने 103 मिलियन जो कि फिलहाल 105 मिलियन में बदल गया, राती दिया बुता के अमरपाली दुबे पवन सिंह के साथ पहली बार नजर आए। उस गाने ने फिलहाल 105 मिलियन जी हां 10 करोड़ 50 लाख लोगों ने उस गाने को देखा, भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गाना बन चुका है। फिलहाल अगर उस गाने की तरफ आया जाए तो ये कई बॉलीवुड के यानी सलमान खान के कई गानों को पीछे कर चुका है पवन सिंह का ये गाना। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सुनने वाला यही गाना है पवन सिंह का, राते दिया बुदा के। एक गाना पिछले दिनों लगभग 5 से 6 महीने पहले बहुत ज्यादा ग्रो हुआ था, भोजपुरी इंडस्ट्री का नंबर 1 गाना था। उस गाने का नाम था छलका था हमार जवानिया, जिसमें पवन सिंह काजल राघवानी ठुमका लगाते नजर आए थे। भोजपुरिया राजा का ये गाना था, बहुत ही बेहतरीन ये गाना था। उस गाने ने बड़ा इतिहास रचा, अगर उस गाने की तरफ आया जाए तो फिलहाल उसे भी बहुत लोगों ने देखा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 नंबर पर गाना आता है, लेकिन 3 नंबर पर दिनेश लाल यादव निरुवा ने नहीं, 3 नंबर पे खेसारी लाल यादव ने अपना नाम दर्ज कर लिया है। उनका एक बहुत ही प्यारा बहुत ही बेहतरीन गाना फिल्म मुकद्दर का वो गाना है सच के सवर के, जिसमें सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी डांस करते नजर आए। उस गाने की तरफ अगर आया जाए तो उस गाने ने 5 करोड़ व्यू पूरा कर लिया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशी की बात है खेसारी लाल यादव के लिए, पूरी उनकी टीम के लिए। पहली बार ऐसा हुआ खेसारी लाल यादव की लाइफ में जहां पर उनका ये गाना सिर्फ 3 महीनों में आसमान की बुलंदियों को छू चुका है। उस गाने को फिलहाल 5 करोड़ यानी 50 मिलियन लोगों ने देखा है। आपको पता ही होगा हाल ही में सलमान की टाइगर जिंदा है रिलीज हुई, उन सभी गानों ने फिलहाल 5-5 करोड़ का इतिहास रचा, लेकिन बहुत मुश्किल से। लेकिन सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सिर्फ 3 महीनों में ही बड़ा इतिहास रच दिया है। भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है खेसारी लाल यादव का फिल्म मुकद्दर का ये गाना 5 करोड़ व्यू हो चुका है, 50 मिलियन का बड़ा इतिहास रच चुका है। साथ ही में सबसे बड़ी बात, वेब म्यूजिक जो कि फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री की 1 कंपनी बन चुकी है, उसका सबसे बड़ा 2 गाना हो चुका है और भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा 3 गाना बन चुका है। गानों की तरफ आया जाए तो खेसारी लाल यादव एक के बाद एक नवा गाना अपने फैंस को देते रहते हैं। ये गाना भी बहुत प्यारा है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना तो जाइए सुनिए। अगर आप लोग खेसारी लाल यादव के फैन है तो इस गाने को सुनिए और भी इस गाने को बड़ा बनाइए, क्योंकि खेसारी लाल यादव की जिंदगी का सबसे बड़ा गाना बन चुका है। अगर हम खेसारी लाल यादव की फिलहाल फिल्मों की बात करें तो हाल ही में फिल्म डमरू का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ, आप लोगों ने देखा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आया। डमरू की बात करें तो डमरू में खेसारी लाल यादव के साथ इश्का कपूर मेन लीड रोल पर काम कर रही हैं, वो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख रही हैं खेसारी लाल यादव के साथ। इस फिल्म के निर्माता प्रदीप के शर्मा हैं, पहली बार भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं, पहले वो बॉलीवुड फिल्में बनाया करते थे। उन्होंने भोजपुरी में खेसारी लाल यादव के साथ काम किया, उम्मीद करते हैं खेसारी लाल यादव की फिल्म डमरू बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हो। और भी खेसारी लाल यादव कई फिल्मों में काम कर रहे हैं, जैसे कि हेरा फेरी जो कि 2018 की बड़ी फिल्मों में शामिल होगी, नागदेव जो कि काफी बड़े बजट के साथ बनाई जा रही, 5 से 7 करोड़ का इस फिल्म का बजट होगा, जो कि खेसारी लाल यादव के खुद के प्रोडक्शन की फिल्म होने वाली है। आपको पता ही है खेसारी लाल यादव ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी खोली है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड। अब देखने वाली बात ये होगी कि पवन सिंह के बराबर इतिहास पहुंच पाता है खेसारी लाल यादव का नहीं, इस बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करें।